है कहीं बिहार में जो है। अब हम यहाँ पर बैठे हैं, बात कहिएगा कि आप पीएम पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, अरे शिवसेना पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, जेएमएम पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, वो लोग भी चुनाव लड़ते हैं यहाँ। जेएमएम चला रहा है बिहार, बिहार को शिवसेना चला रहा है, बिहार को चला रहे हैं लालू नीतीश और भाजपा अलग अलग समय कालखंड में। तो इन तीनों से सवाल ना कर, कांग्रेस ने तो 40 वर्ष बिहार को बर्बाद किया। जन स्वराज यात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पर हमला बोल दिया है और साथ में कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी को भी कहीं ना कहीं इसके चपेट में ले लिया। और उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी इतने साल में बिहार कितनी बार आए हैं, आखिरी बिहार कब आए हैं, बिहार के लिए क्या कुछ किया है, या फिर बिहार की जनता के लिए वो क्या सोचते हैं, और या फिर ये कह ले कि बिहार में किस चीज़ की समस्या है और इसके आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है। पहले आप इस वीडियो पे नजर डालिए। कांग्रेस है कहीं बिहार में जो है। अब हम यहाँ पर बैठे हैं, आप कहिएगा कि आप डीएमके पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, अरे शिवसेना पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, जेएमएम पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, वो लोग भी तो चुनाव लड़ते हैं यहाँ। जेएमएम चला रहा है बिहार, बिहार को शिवसेना चला रहा है, बिहार को चला रहे हैं लालू नीतीश और भाजपा अलग अलग समय कालखंड में। तो इन तीनों से सवाल ना कर, कांग्रेस ने तो 40 वर्ष बिहार को बर्बाद किया। तो जनता ने उस समय इतनी समझदारी दिखाई कि उस कांग्रेस को पूरे सिरे से काट के फेंक दिया। कांग्रेस का तो नामो निशान कहीं नहीं है। कई बार आदमी कहता है कांग्रेस का शिकायत नहीं करे, भाई कांग्रेस ने जो गलती की बिहार में उसका पूरा खामियाजा उन्होंने भुगता। जनता ने उनको उठाकर 1990 तक कांग्रेस यहां की रूलिंग पार्टी थी, आज उनको 5% वोट भी बिहार में नहीं है। लेकिन उसके बाद के जो तीन दल हैं जो पिछले 32 साल से बिहार को चला रहे हैं, वो है लालू नीतीश और भाजपा। इन तीनों पर सवाल नहीं खड़ा करेंगे तो शिवसेना पर सवाल खड़ा करेंगे। राहुल गांधी को बिहार से क्या मतलब है आप बताइए जरा। आप लोग इतने दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं, राहुल गांधी को पिछली बार आपने बिहार में कब देखा था, बिहार के मुद्दे पर कोई बोलते हुए सुना आपने? गरीब की बात करने वाले ये लोग अभी कह रहे हैं कि कर्नाटक में महिला को 3,000 रुपया देंगे। कर्नाटक की महिला ज्यादा गरीब है या बिहार की महिला ज्यादा गरीब है जरा बताइए तो। और अगर कर्नाटक की महिला को 3,000 रुपया मिलना चाहिए तो आप यहाँ सरकार में शामिल हैं कांग्रेस के लोग, जरा बताइए तो कि आप यहाँ बिहार की महिला को काहे नहीं 1,000 रुपया दिलवा रहे हो? ये किस भ्रम में आप लोग पड़े हैं? इन लोगों से क्या सवाल करें? जो आदमी अपने जीवन में बिहार का 4 गो जिला का नाम नहीं जानता है उससे क्या सवाल करें? तो सुना आपने किस तरीके से प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी को अपने चपेट में ले लिया है और सीधे राहुल गांधी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं और कांग्रेस पर भी कि सालों से कांग्रेस जो थी वो बिहार को लूटते आई थी। बिहार की जनता इतनी समझदार थी कि उन्होंने कांग्रेस का सुपड़ा बिहार से साफ कर दिया। अब जब राहुल गांधी सामने आके बिहार वासियों से जनता का प्यार मांगते हैं तो जनता इतनी समझदार ज़रूर है कि राहुल गांधी को अपना प्यार नहीं देगी। बिहार के कितने जिलों का नाम राहुल गांधी को पता है। इन्हीं सब मुद्दों के बीच जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी को अपने चपेट में ले लिया है, अब देखना होगा राहुल गांधी की क्या रिएक्शंस आते हैं इस पे और राहुल गांधी क्या कुछ कहते हैं इस पे। बहरहाल मेरा नाम स्नेहा गुप्ता है और आप IVTV देख रहे हैं। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।